नमस्कार दोस्तों, आप सबका तो वायरल मीडिया में स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा इससे पहले कि एसबीआई में कभी भी आपको भीड़ के बिना, लाइन में लगे बिना कुछ काम हो सकता है? क्योंकि आप कभी भी एसबीआई के कोई ब्रांच में जाते हो, एटीएम पे जाते हो, हर समय आप देखते रहते हो कि वहां पे भीड़ है, क्यू लगी हुई है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद काम हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ऐसी नए कुछ सुविधाएं एसबीआई लॉन्च की गई है जो आपको बिना लाइन में खड़े रहते हुए भी आप कर सकते हो। वो तो उसके बारे में, तो पूरी चीज के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले। उसके अलावा एक बहुत ही नई खास न्यूज एसबीआई लेके आया है जिसके बारे में आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे। वो है, अगर आपको आपका जो डेबिट कार्ड है उसके ऊपर आपको आपका खुद का फोटो चाहिए, तो वैसा फोटो डेबिट कार्ड आपके खुद का फोटो को आपका मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिस स्कीम में एसबीआई इन टच ऐसा नाम दिया गया है। एसबीआई इन टच के द्वारा एसबीआई इन टच के थ्रू आपको एक एसबीआई के जो ब्रांच है वहां पे खाता खुलवाना होगा। वो तो खाता अभी तो फिलहाल पूरे इंडिया में 143 स्टेट डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 260 ब्रांचेस पे हो स्टार्ट हो चुका है। तो एसबीआई इन टच पे आप जैसे ही खाता खुलवाते हो तो 5 मिनट के अंदर आप वहां से आपके खुद का फोटो का डेबिट कार्ड बनवा सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, वही पे ही जहां पे एसबीआई इन टच का आप खाता खुलवा रहे हो, उसी एसबीआई इन टच में आपको सीडीएम यानी कैश डिपॉजिट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक चेक डिपॉजिट मशीन यानी ईसीडीएम, कैश डिपॉजिट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक चेक डिपॉजिट मशीन और जो पासबुक प्रिंटर की मशीन है वो 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी। यानी कि कैश भरने के लिए, कैश निकालने के लिए या फिर चेकबुक के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए कहीं पे भी क्यू में खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एओ के जैसी क्यू में खड़ा वहां पे जाके आपको ये सारे काम हो जाएंगे। और लेकिन आज जो बेसिक चीज है, आपको अगर खुद आप कभी आपके पास अगर कोई पुराना डेबिट कार्ड है तो उसको आप सबमिट करवा सकते हो और नया कार्ड भी ले सकते हो और उसपे आपका खुद का फोटो रहेगा। तो अगर कोई इस चीज को लेना चाहता है तो आप जरूर इस चीज को आप देख लीजिएगा। इसको देखने के लिए आप सिर्फ sbiintouch.com पे जाइएगा। वहां पे आप जैसे ही जाते हो तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि आपका जो स्टेट है उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। सपोज मैं यहाँ की बात करता हूँ, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे नीचे आप स्टेट में महाराष्ट्र अगर मैंने सिलेक्ट किया तो उसके नीचे एक डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि एसबीआई इन टच का आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी है, जो ऑफिस है वो कहाँ पे है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को ऑफिस अभी तक अलॉट किया गया है। अगर उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है तो वहां पे जाके आप जो भी पास में आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एसबीआई इन टच का है वहां पे जाके आप उसको ओपन करवा सकते हो और वहीं से ही आप उसी एसबीआई इन टच के थ्रू आप वहां से जो भी आपके फोटो का डेबिट कार्ड ले सकते हो। तो जो भी लोगों को ये डेबिट कार्ड चाहिए तो इस चीज का जरूर फायदा उठवाए इस चीज का जरूर फायदा उठाएगा। और जैसे ही इस चीज के बारे में पूरी जानकारी या फिर आगे की नए नए जो भी खबरें आएंगी उसको मैं आपको देता रहूंगा। तो दोस्तों, अगर ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लेते आऊंगा।